प्रदेश के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान, उनके कार्यों को मजबूती से निर्धारण के लिए एटक का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसमें एटक के प्रदेश अध्यक्ष M.L. यादव सहित कई नेताओं ने श्रमिकों की समस्या समाधान के रास्ते सुझाए। देश और प्रदेश में वर्षों से मजदूरों की हालत खराब है। श्रमिकों को या तो मजदूरी नहीं मिल पाती, या फिर मजदूरी मिल पाती है तो मेहनताना पूरा नहीं मिल पाता। और इन्हीं हालातों के मद्देनजर हमारे प्रदेश और देश में जो समस्याएं पैदा हुई, उनके समाधान के लिए केंद्रीय श्रम संगठन एटक की राजस्थान इकाई का 2 दिवसीय 15वां प्रदेश अधिवेशन जयपुर के राजस्थान पंचायती राज के सभागार में संपन्न हुआ। अधिवेशन में देश एवं प्रदेश के श्रमिक वर्ग एवं आम मेहनतकश जनता की आर्थिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया और भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई। क्या कहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर एटक के प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे संक्षेप के अंदर एटक कहते हैं, इसका 102 साल पहले 31 अक्टूबर 1920 को इसका स्थापना हुई थी। 102 साल हो गए इसको चलते। इसकी राजस्थान इकाई का 15वां सम्मेलन आज 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और कल 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। करीब पूरे राजस्थान से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी हैं और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके श्रमिक संगठनों के 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन एटक की राष्ट्रीय महासचिव कमरे अमरजीत कौर करेंगी और इस सम्मेलन में 2 दिन तक हम जो प्रतिनिधि आएंगे वो पूरे राजस्थान के अंदर श्रमिकों की क्या हालत है, आम जनता की क्या हालत है, उस पर विचार करके और उस पर अपनी कार्य योजना बनाएंगे भविष्य के लिए। राजस्थान में विभिन्न केंद्रीय राजकीय उपक्रमों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के एटक से संबद्ध 300 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से श्रमिकों की समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से समाधान करने में कारगर तो होगा ही, साथ ही अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उदाहरण बनेगा। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important at Sangam Group. The path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें parikashok087@gmail.com 9829531521।